नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी ऑड नंबर में आप कोई भी फंदे ले सकती हैं। तो मैंने सिलाई में 11 फंदे डाले हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। यदि आपको सिर्फ सीधा उल्टा बुनने आता है तो ये डिजाइन आपके लिए है। बनाने में बहुत ही आसान डिजाइन है और बेहद खूबसूरत। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए और दूसरी लाइन में रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया है। अब पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदे को स्लिप करना है और अगले फंदे को सीधा बुनना है। ये डिजाइन आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। तो तीसरी लाइन में हमने एक फंदा स्लिप करते हुए एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, यानी जिस फंदे को हमने स्लिप किया है उसे वापस स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और ये बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेंगे। इसे आप बच्चों के कैप में डालिए, चाहे सॉक्स में, शूज में, स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। छोटी बूटी का ऐसा खूबसूरत सा स्वेटर लेडीज प्रोजेक्ट में और बच्चों के प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए चौथी लाइन कंप्लीट कर लिया। पांचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से वापस सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। आप इसे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालिए या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बनाने में भी बहुत ही आसान और बनने के बाद देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने 6 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब सातवीं लाइन में वापस हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया था तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और देखिए सेकेंडरी कलर से इस फंदे को हमने बुना था तो हम इस फंदे को स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदे को वापस हमें सीधा बुनना है और अगले फंदे को स्लिप करना है। तो एक फंदे को सीधा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो सीधी लाइन गई है इसके ऊपर हमें बुनना है और ये जो बुना हुआ फंदा है इसे हमें स्लिप करना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो एक फंदा स्लिप करते हुए और एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें इन्हीं 8 लाइनों को दोहराना है और ये छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा स्वेटर ऐसा लग रहा है जैसे मोती पूरे हो गए हैं। देखिए बनके तैयार है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है
और पीछे से ऐसा। बनाने में बहुत ही आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए और बताइएगा कि ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।